स्वागत है दोस्तों आप सभी का पीटीआर एकेडमी में, और मैं हूँ ऋचा। देखिए, हमने मॉडर्न हिस्ट्री क्या है पूरी कवर कर ली है। हमने मॉडर्न हिस्ट्री को जो देखा है वो पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है। आगे हम उसे डिटेल में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के साथ मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या है देखेंगे। तो चलिए, आज से हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो एंशियंट हिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम जो एंशियंट हिस्ट्री है वो भी पूरी कवर करेंगे और डिटेल में कवर करेंगे। तो हम देखते हैं भारत का इतिहास एवं संस्कृति। तो इसमें हम देखेंगे प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास का अगर हम प्रारंभ देखें तो 750 AD से होता है। मध्यकालीन भारत का अगर इतिहास देखें तो 750 से 1757 AD तक माना जाता है, और आधुनिक भारत 1757 से 1947 तक माना जाता है। तो ये कुछ ईसा काल का समय आपको ऐसे ही दे रखा है हमने, तो ये आप देख लीजिएगा क्या है कैसे क्या। फिर हम उसमें इतना ज़्यादा इसमें आपको कुछ एक्सप्लेन करने लायक नहीं है। ये सारी चीज़ें बीसी क्या होता है, एसी क्या होता है, एडी क्या होता है, ये सब आप जानते हैं। प्राचीन इतिहास, प्राचीन इतिहास में अगर हम देखिए पाषाण काल की बात करते हैं तो पाषाण काल 2600 से 3000 BC तक चलता है। जो हड़प्पा सभ्यता है वो 2350 BC से 1750 BC तक चलता है, और वैदिक संस्कृति की अगर बात करें तो वो 1500 BC से 600 BC तक चलता है। और अगर मौर्य पूर्व काल या बुद्ध काल देखें तो 600 BC से 321 BC तक चलता है। मौर्य काल देखें तो 321 से 185 BC तक चलता है। मौर्योत्तर काल देखें तो 200 BC से 300 AD तक चलता है। और अगर हम गुप्त काल की बात करें तो 319 AD से 550 AD तक चलता है। और अगर गुप्तोत्तर काल की बात करें तो 550 AD से 750 AD तक चलता है। ये हमारे कुछ टाइम पीरियड है, इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड है जिन्हें हमने देख लिया। अभी इन्हें सबको हम क्या है डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब हम देख लेते हैं प्राग ऐतिहासिक, जिसे हम प्री हिस्ट्री कहते हैं या प्राग ऐतिहासिक काल भी कहते हैं। तो देखिए, ये इतिहास का वो कालखंड है जिसमें मोटे तौर पर अगर देखें इसका टाइम पीरियड तो 2600 BC से 3000 BC के बीच में क्या है माना जाता है। इसमें मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर इसमें मेरी कोई डेट है और आप कहीं और कोई डेट पढ़ते हैं तो देखिए, काफ़ी सारी बुक्स में क्या होती हैं कि जो डेट होती हैं उसमें मिसमैच हो जाता है। तो डेट को लेकर आप इतनी प्रॉब्लम्स मत रखिएगा, क्योंकि देखिए इसमें हिस्ट्री में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है डेट्स को लेकर, क्योंकि अलग अलग हिस्टोरियन से सभी का मानना जो होता है वो अलग अलग होता है। तो काफ़ी सारी बुक्स में डेट जो है वो 2 से 4 साल पीछे आपको आगे पीछे मिलती रहती, तो इसलिए आप डेट्स को लेकर टेंशन मत लीजिएगा। उसके बाद इसी के बीच के काल में क्या है इसे रखा जाता है, और इसे कौन सा काल पाषाण काल भी कहते हैं। इसी काल को जानने के लिए हमारे पास साहित्यिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, अतः केवल पुरातात्विक सामग्रियों में जीवाश्म पाषाण और औजार उत्खनन आदि के आधार पर हम इसे जाना जाता है। यानी मतलब अगर हम इसे रीड करने को देखें, यानी पाषाण काल को अगर हम जानने के स्रोत देखें कि पाषाण काल को जानने के कौन कौन से स्रोत है, तो हमारे पास साहित्यिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, सिर्फ हमारे पास पुरातात्विक साक्ष्य हैं। और इस अगर देखिए किसी चीज़ को जानने के लिए कि हमारे पास 3 तरीके के साक्ष्य होते हैं, पुरातात्विक साक्ष्य होते हैं, साहित्यिक साक्ष्य होते हैं, और एक होता है विदेशी विवरण। विदेशी विवरण ये अभी आपको स्टार्टिंग में नहीं मिलेगा, क्योंकि ये तो हिस्ट्री है, अभी तो क्या हो रही है यहाँ पे स्टार्टिंग हो रही है। तो अगर हम पुरातात्विक सामग्रियों में देखें तो हमारे पास जीवाश्म है, पाषाण, औजार और उत्खनन है। उसके बाद हम आद्य इतिहास देखते हैं, यानी प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री में क्या है इसे लगभग 300 BC से 600 BC के कालखंड में क्या है रखा गया है। और इसे जानने के लिए अगर हमारे पास, यानी इसको जानने के लिए हमारे पास जो साक्ष्य हैं वो लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध हैं, यानी इनको, लेकिन इनको क्या है पढ़ा नहीं जा सका है। अगर हम एग्जांपल देखें तो हड़प्पन सिविलाइजेशन, यानी हड़प्पन सिविलाइजेशन के हमारे पास लिखित साक्ष्य तो हैं, कुछ ऐसी लिपियाँ हैं जिन्हें क्या है अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। उसके बाद देखिए इतिहास देख लेते हैं कि आखिर इतिहास होता क्या है। तो देखिए लगभग 600 BC से वास्तविक इतिहास का जो कालखंड होता है वो क्या होता है प्रारंभ होता है। क्यों? क्योंकि पहले हमारे पास क्या है साहित्यिक साक्ष्य अवेलेबल नहीं थे। प्री हिस्ट्री में हमारे पास साहित्यिक साक्ष्य अवेलेबल नहीं थे, हमारे पास जो चीज़ें थी वो क्या थी, सिर्फ ओरली थी। हमें कुछ चीज़ें क्या औजार वगैरह मिल जाती है लेकिन लिखित नहीं मिलती हैं, तो इससे हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि यहाँ पर क्या है पीपल्स थे, हर चीज़ें थी। लेकिन उसके बाद क्या है हमारे पास साहित्यिक साक्ष्य
मिलने चालू हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ से क्या है लिखित साक्ष्य भी मिलने क्या है प्रारंभ हो जाते हैं और ये पठनीय भी हैं। मतलब यहाँ से कुछ साहित्य ऐसे हैं जो क्या है लिखे हुए मिले हैं और ऐसे भी हैं जिन्हें हम क्या है पढ़ सकते हैं। तो अब हम संस्कृति देखते हैं कि संस्कृति कल्चर, आखिर कल्चर होता क्या है हमारा। तो देखिए जो संस्कृति होती है किसी समूह या देश के लोगों के आचार चार विश्वास जीवन जीने के तरीके कला धर्म दर्शन इत्यादि को क्या करता है प्रदर्शित करता है। यानी हमारी संस्कृति देखिए आज अगर हम अपने इंडियन कल्चर की बात करें तो उसमें क्या होते हैं बहुत सारे ग्रुप्स में लोग रहते हैं, यहाँ बहुत सारी जनजातियाँ हैं, बहुत सारे धर्म के लोग हैं, अलग अलग कल्चर के लोग हैं। तो उसमें क्या है सभी का पहनावा अलग है, सभी के जो ट्रेडिशंस हैं, सभी का जो कल्चर यानी धर्म या त्यौहार तीज त्यौहार मनाने का, तो उनका दर्शन कला तो क्या है सभी का अलग है, लेकिन इन सभी को क्या है प्रदर्शित करता है एक ही साथ, उसे क्या कहते हैं हम संस्कृति कहते हैं या कल्चर कहते हैं। संस्कृति के ये सभी तत्व पीढ़ी दर पीढ़ी मनुष्यों के सामूहिक योगदान से बने गए होते हैं, मतलब क्या है बुने गए होते हैं। मतलब देखिए ये जो संस्कृति या जो कल्चर होता है वो एक दिन में नहीं बन जाता है, ये हमारी पीढ़ियों दर पीढ़ियों चली आ रही होती है, हमारी परंपराएं होती हैं। जैसे आप अपने घर में कुछ चीज़ों के लिए सुनते होंगे कि ये हमारा ट्रेडिशन है, ये हमारे पूर्वज जो थे वो भी करते थे। तो संस्कृतियाँ जो होती हैं वो बड़ी या छोटी नहीं होती, बल्कि हम इन्हें क्या अपने सुविधा के अकॉर्डिंग क्या है क्लासिकल तथा लोक संस्कृति में बांटकर देख लेते हैं। यानी इन्हें क्या है हम अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग उच्च में या निम्न में या लोक संस्कृति में क्या है बांट लेते हैं। अब हम सभ्यता देखते हैं सिविलाइजेशन की, आखिर सिविलाइजेशन क्या होता है। देखिए सिविलाइजेशन की अगर हम बात करें तो सभ्यता जो है संस्कृति के मानवीकरण की क्या है अवस्था है, जब संस्कृति में क्या है एक उन्नत तकनीकी यानी अवस्था और भौतिक उच्च समृद्धि से प्राप्त कर लिया जाता है तो इसे सभ्यता अवस्था कहा जाता है। मतलब देखिए जो संस्कृति होती है संस्कृति का क्या कर लिया जाता है मानवीकरण कर लिया जाता है, जो लोग होते हैं वो संस्कृति को क्या कर लेते हैं अपना लेते हैं और एक उसमें क्या है तकनीकी डेवलप कर लेते हैं, उसी को क्या कहते हैं हम सभ्यता कहते हैं। अगर सभ्यता और संस्कृति जो है वो एक दूसरे से बहुत अलग अलग नहीं है, दोनों क्या है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये क्या है एक ही सिक्के के, इन्हें हम ऐसे कह सकते हैं कि एक ही सिक्के क्या है दो पहलू हैं। संस्कृति जो है निरंतर प्रवाहित होकर बहती रहती है तथा उसके गुणवत्ता प्राप्ति के साथ साथ वही क्या हो जाती है सभ्यता बन जाती है। मतलब जैसे जैसे उसमें चेंजेस आने लगते हैं लोग अपने अकॉर्डिंग क्या करने लगते हैं बदलाव करने लगते हैं तो वो किसका रूप ले लेती है सभ्यता का रूप ले लेती है। जैसे एक व्यक्ति एक समय में क्या हो जाता है सुसंस्कृत भी होता है और सभ्य भी होता है, और वैसे भी इन दोनों के बीच में क्या है घनिष्ठ जो होता है वो क्या होता है संबंध होता है। अब हम पाषाण काल देखते हैं, पाषाण काल का जो टाइम पीरियड है ये हमने ऊपर सिर्फ जरा सा इंट्रोडक्शन देखा है, जो छोटे छोटे शब्द होते हैं हमारे व्यवहार में जिन्हें हम इस्तेमाल करते हैं जिन्हें हम अपने उसमें डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, तो ये कुछ छोटे छोटे टर्म्स हैं जिन्हें हम देखा है। यहाँ से हम अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, पहला जो टॉपिक है हमारा वो पाषाण काल है। पाषाण काल में हम पाषाण काल को हम 26 काल से 3000 BC तक देखते हैं। इसमें हम मानव का उद्विकास देखेंगे, हिमकाल देखेंगे और पाषाण उपकरणों का अध्ययन देखेंगे यानी स्टडी ऑफ टूल्स देखेंगे और ह्यूमन इवोल्यूशन देखेंगे जिसे 26 लाख से 10000 BC के आसपास रखा जाता है और हिमकाल यानी आइस एज भी देखेंगे। तो अगर 10000 BC के बाद में क्या है हिमकाल में परिवर्तन हुआ और मानव अनुकूल जलवायु का क्या हुआ उद्भव हुआ, यानी जैसे जो आइस एज चल रहा था उसमें क्या हुआ 10000 BC के बाद क्या होता है हिमकाल यानी आइस एज में परिवर्तन होता है और एक ऐसा परिवर्तन होता है कि इसमें जो क्लाइमेट होता है या जो जलवायु होती है वो क्या हो जाता है मानव के विकास के लिए क्या हो जाता है अनुकूल हो जाता है, यानी यहीं से क्या होता है मानव का विकास होता है। ऐसा कहा जा सकता है कि अगर औद्योगिक क्रांति से पहले क्या है अगर ऐसा कहा जा सकता है कि औद्योगिक क्रांति से पहले भी क्या है एक क्रांति हुई थी जिसे क्या है नवपाषाणिक क्रांति क्या है कहा जा सकता है। यानी हम औद्योगिक क्रांति को ही क्या है क्रांति मानते हैं, लेकिन उससे पहले भी हम अगर एंशियंट एज में देखें एंशियंट हिस्ट्री में देखें तो उससे पहले भी हम कह सकते हैं ऐसा कि उससे पहले भी क्या है एक नवपाषाण कालिक क्या है क्रांति हुई थी, क्योंकि यही वह समय था जब सर्वप्रथम मनुष्य ने पशुपालन कृषि समूहों में रहना क्या है आग का आविष्कार आदि क्या है प्रारंभ किया था। यानी यहां पर क्या है लोग ऐसे थे जो डेली नीड्स थी लोगों की जो डेली लाइफ
थी उनकी, जो डेली उनकी सिचुएशंस थी, जो जिन चीज़ की उन्हें ज़रूरत थी, तो उन्होंने क्या है इसी काल में उन्होंने क्या किया था, आविष्कार किया था। पाषाण काल तीन परस्पर अंतर संबंधित संकल्पनाओं का अध्ययन है। जैसे अगर हम देखें तो क्या मानव विकास हिमकाल के बड़े बड़े दौर का आना तथा मानव द्वारा अपने विकास करने के लिए पाषाण उपकरणों का निर्माण करना, अतः ये जो तीनें हैं इन्हीं का क्या है अध्ययन आवश्यक है। यानी मानव का विकास कैसे हुआ ये भी चीज़ जाननी ज़रूरी है, और उसने अगर मानव का विकास हुआ तो फिर उसने कैसे अपना विकास किया, क्या चीज़ें, अगर मानव ने अपना विकास किया तो उसकी सुरक्षाएं भी तो ज़रूरी थी, वो अपनी सुरक्षाएं भी तो करेगा, तो उसके लिए भी तो उसने कुछ ना कुछ किया होगा। तो अगर हम पहले हम देखते हैं मानव का उद्विकास, कि मानव का विकास कैसे हुआ। अगर जीव विज्ञान में यह माना जाता है कि मानव का उद्विकास पृथ्वी पर अन्य प्रजातियों के जीवन की उत्पत्ति एवं विकास की ही कड़ी का एक भाग है। यानी ये किसका मानना है, हमारी साइंस का मानना है। हमारी साइंस ये कहती है कि अगर आप मानव का विकास देखते हैं तो पृथ्वी में जब अन्य प्रजातियों के जीवन की क्या हुई थी, उत्पत्ति हुई थी, उसी में क्या हुई थी मनुष्यों की भी क्या हुई थी, उत्पत्ति हुई थी, क्योंकि मनुष्य भी जो है वो एक जाति है, एक प्राणी है। और अगर अर्थात मानव जाति पृथ्वी पर इसी रूप में क्या है बनी बनाई अवतरित नहीं हुई, वरन अपने पूर्ववर्ती जीवन रूपों में क्या है विकसित हुई है। यानी हमारी साइंस का ये मानना है कि जो मानव जीवन है वो डायरेक्टली बनाया नहीं गया है, वो अपने रूपों में क्या है उसका धीरे धीरे क्या हुआ है विकास हुआ है। अगर हम चार्ल्स डार्विन का सिद्धांत देखें तो चार्ल्स डार्विन जो है वो क्या कहते हैं, वो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत देते हैं। यानी जो चार्ल्स डार्विन है वो किसका सिद्धांत देते हैं, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत देते हैं। और योग्यतम की उत्तर जीविता आदि के अन्य जीवों की भांति मानव विकास के मामले में भी लागू किया जाता है। यानी उनका ये कहना है कि वो क्या है अन्य जीवों की भांति, उनका कहना ये है कि जैसे जो मानव का विकास है वो भी लोगों के जैसे ही, यानी अन्य जीवों की तहत ही क्या है उन्हें डेवलप नहीं किया गया इंसानों को, बल्कि क्या हुआ है उनका वो हुआ है विकास हुआ है। 1859 के ओरिजन ऑफ स्पीसीज थ्योरी डिसेंट ऑफ मैन बुक में क्या है ये बात कही गई है। उसके बाद अगर तमाम प्रयोगों में क्या है ये बात क्या है साबित हो चुकी है कि लगभग अगर 26 लाख से 10,000 BC के बीच को प्रीमेट से मानव का विकास हुआ, और निम्न चार्ट के माध्यम से इसे और हम समझ लेते हैं। मतलब अगर ये चीज़ हम देखें 26 लाख BC से 10,000 BC के अगर बीच में, यानी प्रीमेट से क्या हुआ है मानव का विकास हुआ है। इसमें देखिए पहले है